है कि अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित भारत बनाएंगे, अमृत काल से स्वर्णिम काल की ओर लेकर जाएंगे, लेकिन उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमें अपने इतिहास की जानकारी हो। हजारों वर्ष पहले भारत की जो ताकत थी वो हमें फिर भारत को महान बनाना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें प्रकाश डालना था भारत के उस वीर वीरांगनाओं पर जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया भारत की आज़ादी के लिए। तो आज स्वतंत्र भारत में उनकी कल्पना के भारत को उस ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए युवाओं को प्रेरणा स्वराज देगा। दूरदर्शन पर इसको पहले दिखाया गया, अब अमेज़न प्राइम वीडियोस पर इसका पहला सीज़न शुरू होने वाला है 15 एपिसोड के साथ। कुछ दिनों के बाद फिर दूसरा सीज़न आएगा। कुल 75 एपिसोड्स को 9 भाषाओं में, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में दिखाया जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है इससे देश के युवाओं को उन वीर वीरांगनाओं के बारे में भी जानकारी मिलेगी और अपने इतिहास की जानकारी भी। देखिए, मैं इसको स्पष्ट करता हूँ कि अंग्रेजों की एक सोच थी बांटो और राज करो, और जाते आते भी भारत को टुकड़ों में देखना चाहते थे। अंग्रेज चले गए, अपनी सोच कुछ लोगों को देकर गए, वो भी भारत को टुकड़ों में ही देखते हैं, वे एक भारत श्रेष्ठ भारत नहीं मानते, और ना जाने वो किस टुकड़े पर राज करना चाहते हैं, और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को भी साथ में लेकर चलते हैं। अब इन लोगों से मेरा सवाल है, ये उत्तर को दक्षिण इसको अलग अलग देखते हैं, बांटने का काम करते हैं, जाति धर्म की बात करते हैं, आखिरकार ये विकास की बात क्यों नहीं कर सकते? ये जो विपक्ष का घमंडिया गठबंधन है, ये विकास के मुद्दों पर क्यों नहीं चर्चा करता? ये क्यों जाति क्षेत्र संप्रदाय इस पर बात करता है? ये दिखाता है कि आज भी इनकी सोच वही है जो अंग्रेजों की थी, देश को टुकड़ों में देखने की, टुकड़े करने की। सीए को लेकर मुझे केवल इतना कहना है, कानून पहले बन चुका था, नियम हम लेकर आए हैं, और बहुत स्पष्टता के साथ कहा है कि जो देश के साथ लगते अन्य देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ अल्पसंख्यक हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, उनके साथ जो उत्पीड़न किया जाता है, प्रताड़ना उनकी होती है, किसी के साथ बलात्कार होता है, किसी को जबरन धर्म परिवर्तन या फिर उसको ब्याह करने के लिए मजबूर किया जाता है, मजबूर किया जाता है, दबाने का काम किया जाता है, उन हालात में जो नहीं रहना चाहता वो किस देश का रुख करे? वो भारत ने बड़ा हृदय करके उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया, इससे नागरिकता मिलेगी, छीनी नहीं जाएगी। और मुझे लगता है विपक्षी दल नहीं चाहते कि उत्पीड़न जिनका हो रहा है ऐसे माइनॉरिटीज का, उन देशों वालों को भारत नागरिकता दे। देश के अंदर भी लोग ऐसे हैं जो 70 साल से इंतजार कर रहे थे नागरिकता का, नहीं दी कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो लोग भ्रम फैला रहे हैं सीएए को लेके, वो अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। दूसरी ओर मोदी सरकार ने एक 75 साल पुरानी मांग को पूरा किया, नागरिकता का कानून लाकर सीएए के माध्यम से।